हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नोरोहेस। और ये वीडियो में मैं आप लोगों को एक गेम प्ले रिव्यू देने वाला हूँ कूलपैड मेगा का, और साथ साथ मैं आपको एक बेंचमार्क भी रिव्यू दे दूंगा। तो देखते हैं कि कूलपैड मेगा जो है वो गेमिंग जो है वो हैंडल कर पाता है या फिर जो है वो नहीं कर पाता है। काफी सारे हाई एंड गेम्स मैंने इंस्टॉल किए और कैजुअल गेम भी किए, तो पहले कैजुअल गेम से स्टार्ट करेगी फिर हाई एंड गेम्स इसके ने खेल के देखेंगे, और साथ में आपको एक बेंचमार्क रिव्यू भी इसका जो वो दे देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका एक गेम प्ले रिव्यू दिखा देता हूँ और आपको बता देता हूँ कि मेरे पास एक कैजुअल रनर गेम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेसी रनर करके लिखा हुआ है, और उसके बाद असफाल 8, नोवा 3 और मॉडर्न कॉम्बैक 5 जैसे हाई एंड गेम्स है। हम वो भी इसमें टेस्ट करके देख लेते हैं कि वो इसमें किस तरह के जो परफॉर्म्स करते हैं। सबसे पहले आपको सीपीयू जेड में जाके हम दिखा रहे थे इसके कुछ प्रोसेसर के बारे में। मीडिया टेक का MT6735P का प्रोसेसर है। हालांकि कूलपैड नोट 3 लाइट का जो प्रोसेसर है वो सेम है, लेकिन कूलपैड नोट 3 लाइट का प्रोसेसर थोड़ा हाई क्लॉक्ड है और इससे थोड़ा बेटर है। ये पी वाला है और नॉर्मल प्रोसेसर वाला है। और डिवाइस के यहाँ पे डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेंशन है 5.56 3GB की रैम वगैरह। आपको ऑलरेडी मैंने इसका अनबॉक्सिंग भी कुछ दिया था, तो आप उसमें जाके जो देख सकते हैं। हम यहाँ पे आएंगे तो सिर्फ यहाँ पे बैटरी देखेंगे। बैटरी लेवल जो आप देख सकते हैं 44% है, और बैटरी टेम्परेचर जो वो 36% पे है। और यहाँ पे अगर हम कुछ सेंसर्स वगैरह देखते हैं तो यहाँ पे एक्सीलोमीटर, प्रॉक्सीमीटर, लाइट, ओरिएंटेशन और मैग्नोमीटर मिलता है आपको। यहाँ पे मुझे लगता नहीं कि जायरोस्कोप का सेंसर आपको मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी गेमिंग से, और सबसे पहला गेम यहाँ पे हम ले लेते हैं मेसी रनर। तो आप जैसे कि देख सकते हैं 3D रनिंग गेम आपको मिलता है, और देख लेते हैं कि किस तरीके का ये गेम इसके अंदर जो वो परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्मूथ चल रहा है अभी फिलहाल, अभी तक तो मुझे कोई प्रॉब्लम आई नहीं है यहाँ पे। तो मेसी रनर तो फिलहाल तो अच्छी चली है, मुझे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो आई नहीं, कुछ लैग वगैरह आया नहीं है। तो दूसरी जो गेम आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो प्ले किया है वो मॉडर्न कॉम्बैट 5 है। काफी हाई एंड गेम है और इसकी ग्राफिक्स काफी हाई है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा गेम प्ले इसका जो देख सकते हैं। हालांकि लैग मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, लेकिन इंटेंस लैग हम जैसे कहते हैं जैसे हाई एंड लैग, ऐसा कुछ लैग वगैरह इतना हाई तो नजर नहीं आ रहा है। बस गेम जो है वो थोड़ा प्लेएबल यहाँ पे आपको मिलती है इस तरीके से, और स्मोक और फॉग वगैरह अगर आता है तो गेम जो है वो थोड़ा और लैग होने लगती है। अब हम खेलेंगे असफाल्ट 8 और देख लेते हैं कि असफाल्ट 8 इसके अंदर जो है कितने अच्छे परफॉर्म करती है। तो सेटिंग में चले जाते हैं और देख लेते हैं कि इसकी जो ग्राफिक्स है, बाय डिफॉल्ट पहले मैंने जब स्टार्ट किया था तो हाई पे चल रही थी, तो फिर हम जो है वो हाई पे देख लेते हैं कि गेम जो कितना अच्छा परफॉर्म करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गेम जो वो शुरू हो गई है और हाई ग्राफिक्स में भी ठीक ठाक चल रही है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं। मुझे लगता है कि मीडियम पे ये जो गेम है काफी अच्छी चलेगी, क्योंकि हाई में यहाँ पे मुझे माइनर लैग्स नजर आ रहे हैं आपके सामने, क्लियर है आप देख सकते हैं, और मुझे पता नहीं मैं कहाँ घूम रहा हूँ। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा देख लीजिए गेम प्ले खुद ही, जो आप जज कर लीजिए कि आपको कैसा लगता है इसका जो गेमिंग जो वो कितना स्मूथ है। यहाँ पे हम फिर से असफाल्ट खेलते हैं और ग्राफिक अब इस बार जो मैंने जो वो मीडियम पे सेट कर लिया हूँ, अब यहाँ पे फिर से आपको एक बार दिखा देता हूँ। और साउंड एंड डिस्प्ले में जाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं मीडियम में मैंने यहाँ पे ग्राफिक सेट किया हूँ, और अब फिर हम एक बार फिर से जो असफाल्ट को खेल के देख लेते हैं और कितना अच्छा जो ये परफॉर्म करता है आपको फिर से एक बार जो बता देते। तो यहाँ पे अब मैं आपको कह सकता हूँ कि मीडियम ग्राफिक में ये जो है वो अच्छी खासी चल रही है असफाल्ट, आपके सामने आप देख सकते हैं।
तो हाई ग्राफिक्स में जो ये थोड़ा सा लैग हो रहा था, प्लेएबल था, लेकिन आप जैसे कि कहते हैं कि जब गेम लैग होती तो खेलने को मजा नहीं आता है, उस तरीके का कुछ हो रहा था। तो मीडियम ग्राफिक में काफी अच्छी चल रही है आपके सामने, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ओके है, अस्पार्ट आप खेल सकते हैं इसके अंदर आराम से जो वो मीडियम ग्राफिक के अंदर। फाइनल गेम हम जो वो खेलेंगे वो है नोवा 3। आपको जैसे कि पता है कि काफी हाई एंड गेम है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे नोवा 3 में हालांकि काफी सारा लैग्स नजर आ रहा था, तो आपके सामने आप देख सकते हैं आपको किस तरीके का यहाँ पे जो गेम प्ले मिलता है इस तरीके से। तो काफी सारा नोवा 3 में मुझे लैग नजर आ रहा है, हालांकि कूलपैड नोट 3 लाइट में मुझे ऐसा कुछ भी लैग नजर नहीं आ रहा था, लेकिन कूलपैड मेगा में आ रहा है, क्योंकि आपको जैसे कि पता है कि इसका प्रोसेसर जो 1 GHz पे क्लॉक्ड है MT6735P वाला है, तो मुझे नहीं लगता कि नोवा 3 जैसा गेम इसने जो हैंडल करने की इसमें जो हिम्मत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा लैग हो रहा है। तो यहाँ पे हमने कुछ अच्छी खासी गेमिंग्स कर लिए, और अब हम जाते हैं और देखते हैं इसका जो बैटरी टेम्परेचर है वो कहाँ पे पहुंच गया है। तो फटाफट हम यहाँ पे चले जाते हैं बैटरी में और देख लेते हैं कि इसके बैटरी टेम्परेचर, यहाँ पे आप देख सकते हैं 38 डिग्री पे, तो काफी कंट्रोल्ड हुआ है इसके बैटरी। और वार्म की बात करते हैं तो मुझे जो यहाँ पे इस तरफ जो वो थोड़ा सा गर्म नजर आ रहा है, हालांकि यहाँ पे कैमरा और इस तरफ ही मुझे लगता है कि कुछ प्रोसेसर है, लेकिन ज्यादा गर्म तो मुझे नहीं नजर आ रहा है। आगे की तरफ भी देखेंगे तो वही जो टेम्परेचर है जो पीछे की तरफ मुझे लग रहा है, तो फोन जो वो इतना हीट नहीं हो रहा है, ओके है, और लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं टेम्परेचर काफी इसने जो वो मेंटेन किया है। तो अब मैं आपको यहाँ पे इसका कुछ बेंचमार्किंग स्कोर्स दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको एंटीट्यूड स्कोर बता देता हूँ, मैंने एंटीट्यूड बेंचमार्क इंस्टॉल किया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 24,744 का स्कोर मुझे दे रहा है, और अगर हम रैंकिंग्स में जाते हैं तो हमारा फोन जो वो बहुत ही नीचे आ जाता है, और Xiaomi MI 4S के भी नीचे, एकदम से नीचे जो 24,744, तो पता नहीं ओके है, जैसे कि आपको मैंने बार बार बोले की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रोसेसर जो वो इतना हैवी नहीं है। नीनामार्क की बात करते हैं तो नीनामार्क में मुझे जो आया था गेमिंग का वो आप देख सकते 52.2, तो नीनामार्क अगर 55 के ऊपर जाता है, 60 के आसपास जाता है, तो आपके जो गेमिंग है वो हाई एंड गेम जो काफी अच्छे से जो सपोर्ट जाते हैं। Geekbench 3 की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं मुझे 465 सिंगल कोर का आया था, और 1341 जो मुझे आया था वो कुछ मल्टी कोर का आया था, तो Geekbench भी जो यहाँ पे ओके है, कुछ इतना अच्छा स्कोर यहाँ पे Geekbench पे भी मुझे जो वो नहीं मिला था। और फाइनल आपको Quadron बेंचमार्क का बता देता हूँ, तो Quadron में मुझे 10,306 आया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी सारे फोन ऑलरेडी लिस्टेड है, लेकिन Quadron के अंदर कम से कम हमें जो वो लगभग 20,000 तक आता है, तो काफी अच्छी बात होती है। और मल्टी टच की बात करते हैं तो ये फोन जो है वो सिर्फ 5 पॉइंट मल्टी टच सपोर्ट करता है, यहाँ पे मैंने 10 फिंगर लगाया हो, लेकिन आप देख सकते हैं सिर्फ 5 फिंगर जो है वो मल्टी टच सपोर्ट करता है। तो बेंचमार्क स्कोर इसका ओके है, हाई एंड स्कोर बिल्कुल भी मुझे नहीं दिखा यहाँ पे। और साथ में गेमिंग्स की बात करते हैं तो आपको मैंने ये 4 हाई एंड गेम्स खेल के बता दिया था, उसमें से कैजुअल गेम था और साथ में 3 जो वो हाई एंड गेम्स थे। तो मीडियम गेम्स के लिए फोन ओके है, जैसे कि अस्फाल्ट मीडियम ग्राफिक्स में अच्छा चल गया था, और दूसरे जो मॉडर्न कॉम्बैट 5 और नोवा 3 जैसे गेम जो वो लैग हो रहे थे। नोवा 3 तो काफी लैग हो रहा था, मॉडर्न कॉम्बैट 5 फिर भी थोड़ा बहुत चल रहा था, और मैसी जो अच्छा खासा चल रहा था, जो कोई भी कैजुअल गेम आप खेलते हैं तो इसमें अच्छा चल जाता है। तो यहाँ पे इसकी बैटरी भी काफी अच्छी चल रही थी जब मैं गेमिंग कर रहा था, तो कुछ लगभग इसकी जो बैटरी थी वो 42 या 44 था, मुझे पता नहीं, याद नहीं हो रहा है, वीडियो की स्टार्ट में आपको शायद पता चल जाएगा। अब जो वो 36% है, और जब खेल रहे थे तब कुछ 36-35 डिग्री था, और जब गिरने के बाद कुछ 38 डिग्री था। तो ये फोन जब गर्म नहीं होता इतना तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, कुछ झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अब तो बिल्कुल भी गर्म नहीं है, क्योंकि अब जो हम कुछ कर नहीं रहे थे तो गर्म तो बिल्कुल भी फोन होता नहीं है। तो अगर आप गेमिंग के लिए सोच रहे हैं कि मुझे ये फोन लेना है तो आप बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि गेमिंग के लिए फोन बिल्कुल भी जबर नहीं बनाया। तो बस दोस्तों, आपको इस वीडियो में एक अच्छा सा मैंने गेमिंग और बेंचमार्क रिव्यू दे दिया हो इस फोन का, साथ में बैटरी टेम्परेचर का, कि बैटरी टेम्परेचर इसमें कितनी जाती है जब आप गेम करते हैं या फोन, और ये फोन हॉट होता है या फिर जब वो नहीं होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप जरूर से लाइक करिएगा, अगर आपने इसके दूसरे को वीडियोस मिस किए हैं जहाँ पे मैंने फुल कैमरा रिव्यू दिया हो और अनबॉक्सिंग और हैंड्स ऑन रिव्यू दिया हो, तो आप जरूर से मेरे वीडियो में आपको मैं कार्ड्स देता हूँ, आप वहाँ पे जाके जो वो चेक कर लीजिएगा। अपकमिंग रिव्यू इसका मैं आपको एक फुल रिव्यू देने वाला हूँ, साथ में कूल UI 8 के एंड्रॉइड मार्शमेलो 6 का, जहाँ पे आपको सारे फीचर्स बता दूंगा कि आप कैसे जो उसके ना यूज कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।